खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मने। हेलो गाइस, राधे राधे। और रात के बज चुके हैं एक दो नहीं बजे, भी एक ही बजे हैं। और गाइस गेस करो हम रात के एक बजे कहाँ जा सकते हैं। हम रात के एक बजे जा रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। तो गाइस आप सबको भी दर्शन करवाने वाली हूँ, तो आइए चलते हैं। गाइस आप देख सकते हो जब महाराज जी आते हैं उससे पहले सभी भक्त रंगोलियां बनाते हैं उनके स्वागत के लिए। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ आगे, बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियां बना रखी हैं सभी भक्तों ने, तो इन रंगोलियों के भी दर्शन करते हैं। ये देख सकते हो गाइस आप कितनी सुंदर रंगों से और फूलों से रंगोली बनाई जा रही है। और 3 बजे महाराज जी दर्शन देने आएंगे, सभी लोग उससे पहले रंगोलियां अपनी बना देंगे। परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का, जहाँ पे महाराज जी अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और रात्रि 3 बजे, बट लोगों की लाइनें यहाँ पे 11 बजे से ही लग जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और सभी लोग यहाँ पे आके अपनी देखो रंगोलियाँ बनाते हैं और ये सब फूल बेचते हैं महाराज जी के स्वागत के लिए। और ये सभी अब रंगोलियाँ अपनी बना रहे हैं। हम भी 2 घंटे पहले आ गए हैं, सोचा था कि आप सभी को जानकारी दी जाए। अगर आपने भी महाराज जी के दर्शन करने हो तो गाइज आप भी यहाँ पे 1:30-2 बजे पहुँच सकते हो। और महाराज जी के स्वागत में कितनी भव्य और सुंदर सुंदर रंगोलियाँ देखो बना रखी हैं। ऐसी रंगोलियाँ शायद ही कभी आप लोगों ने देखी होंगी, जो भक्तों ने इतने प्यार से और इतने प्रेम से महाराज जी के लिए बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात, महाराज जी जब भी आएंगे तो इन सभी रंगोलियों के ऊपर से ही जाएंगे। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ से महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मतलब दर्शन देते हैं। और जहाँ पे आप टोकन लेके जो लाइनें आप देख रहे हो सामने, ये सभी लोग महाराज जी से एकांत पे मिलने के लिए आए हैं, प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। और इसके लिए आपको 1 या 2 दिन पहले टोकन लेना पड़ता है। और सामने आप जो देख रहे हो ये है श्री राधा हित केली कुंज, जहाँ से महाराज जी अपने सभी भक्तों से मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि सभी भक्तों से वहाँ पे प्रश्न किए जाते हैं और सभी भक्त दर्शन करते हैं। और सामने देखो रश और लाइनें देखो गाइस टोकन लेने के लिए, मतलब ये देखो कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं जो महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। बहुत लोग दूर दूर से आए हैं महाराज जी से मिलने, हमें तो टाइम नहीं मिला, हम टोकन नहीं ले पाए क्योंकि लाइनें बहुत थी। बट ये लोग बहुत टाइम से लाइनों में खड़े हैं और सभी लोग महाराज जी 3 बजे आएंगे, उसके बाद सभी लोग महाराज जी से मिलकर जाएंगे। आगे निकल जाइए। तो गाइज अगर आप सबको भी ये दर्शन अच्छे से हुए हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। और अब हम लोग चलते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले तो महाराज जी पीछे आएंगे उसके बाद ही यहाँ पे आएंगे। तो ये देखो लोग कैसे वेट कर रहे हैं और पल के बिछाए बैठे हैं महाराज जी के इंतजार के अंदर। तो हम भी चलते हैं, कई जगह ढूंढते हैं और आप सबको दर्शन करवाते हैं। तो गाइज आप भीड़ देख सकते हो हमारे पीछे कितनी है, और हम भी दर्शन एक बार कर लिए आज, फिर दोबारा करने आए हैं। तो चले आगे पैदल। गाइज रश इतना है, देखो लोग दीवारों तक पे चढ़े हुए हैं, मतलब दीवारों पे भी छोड़ो आप, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि लोग पेड़ों पे भी चढ़े हुए हैं। ये चीज मैं दिखाना नहीं चाहती थी, बट रश देखो महाराज जी के लिए कितना ज्यादा है। तो गाइज महाराज जी आ चुके हैं और ये महाराज जी के आगे आगे गाड़ी है। और अगर महाराज जी मतलब थक जाए, जैसे तबीयत वगैरह कई बार ख़राब हो जाती है, तो वो अपनी गाड़ी है दूसरी उनकी, वो भक्तों को उसमें दर्शन देते हैं। और अब ये गाड़ी आगे आगे चलेगी और फिर पीछे पीछे महाराज जी पैदल आएंगे दर्शन देने। तो गाइस आप सभी भी दर्शन कर लो, जो लोग वृंदावन दर्शन करने नहीं आ सकते वो लाइव दर्शन कर लो। और हाँ अगर दर्शन हो जाए तो कमेंट में हमें राधे राधे ज़रूर लिखना।
जय जय श्री राधे। गाइज अगर आप सबको महाराज जी के दर्शन हुए हो तो हमें कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे।